हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्बैट एंड एमएमए ऑब्जर्वर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन चैंपियनशिप के इवेंट वन एक्स की तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है वन एक्स ये वन चैंपियनशिप का टेंथ ईयर एनिवर्सरी शो है वन चैंपियनशिप की शुरुआत 2012 में हुई थी दो में इसके दस साल पूरे हो गए थे तो ओरिजिनली वन का ये इवेंट फिफ्थ ऑफ दिसंबर को सिंगापुर में होना था लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ये नहीं हो पाया और अब दोबारा ये कार्ड पॉसिबल हो पा रहा है सिंगापुर में ही ट्वेंटी सिक्स ऑफ मार्च को तो सबसे पहले तो मैं छात्री डोंग जो वन चैम्पियनशिप के सी हैं उन्हें तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि पिछले दस साल में उन्होंने एटलीस्ट फार ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में एक बहुत ही मज़बूत एक बहुत ही बढ़िया वन चैम्पियनशिप एक फाइटिंग प्रमोशन ही नहीं रह गया है इट हैज़ बिकम अ ब्रांड ग्लोबली अगर आप व्यूअरशिप के मेट्रिक्स देख लीजिए कोई भी कहीं से भी उठा के देख लीजिए यू एफ सी के बराबर तो कोई खड़ा नहीं हो सकता लेकिन जो सेकेंड नंबर की रेस है उसमें बेलाटोर और वन चैम्पियनशिप नेक टू नेक रहते हैं हमेशा नैक टू नेक पेपर व्यू फाइट्स में नहीं लेकिन सोशल मीडिया आउटरीच में आप देखें इनके चैनल्स में आउटरीच कितनी है probably that has something to do with the population in Far East and Asia. One championship में अगर आप देखें तो एटलीस्ट एशिया पैसिफिक रीजन और फार ईस्ट एशिया के लेजेंड्स राइजिंग स्टार्स और सबसे बड़े धुरंधर खिलाड़ी आपको वन चैम्पियनशिप में ही मिलेंगे चाहे आप कोई भी डिसिप्लिन ले लीजिए मुआ थाए किकबॉक्सिंग समीशन ग्रैपलिंग या, या स्ट्रीट एम एम ए आपको प्रीमियर जो टैलेंट है वो वन चैम्पियनशिप में देखेगा हालाँकि क्रीम ऑफ द क्रॉप यू में जाती है लेकिन बावजूद इसके वन चैम्पियनशिप स्टिल हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल राइजिंग स्टार्स एंड लेजेंड्स इन इट लेजेंड्स की तो आप बात ही मत कीजिए लेजेंड्स के मामले में तो वन चैम्पियनशिप हमेशा से ही टॉप पर रहती है और रहेगी बिकॉज अगर आप उनके 600 प्लस फाइटर्स का रोस्टर देखें उस पर वन प्लस चैम्पियंस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं वन चैम्पियनशिप में आने से पहले ये फाइट कार्ड तीन भागों में डिवाइडेड है पार्ट वन पार्ट टू एंड ग्रैंड फिनाले इसमें आपको समिशन ग्रैपलिंग इसमें आपको सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स ही नहीं बल्कि मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स के साथ साथ समिशन ग्रैपलिंग फाइट्स मोथाई फाइट्स किकबॉक्सिंग फाइट्स एंड एक मिक्स्ड रूल का फाइट भी है जो डोमीट्रियस जॉनसन और रॉड टैंक के बीच होने वाला है रॉड टैंक मुआ थाई के विराट कोहली हैं वहीं डोमिट्रिस जॉनसन सब जानते हैं डोमिट्रिस जॉनसन द माइटी माउस डोमीट्रिस जॉनसन यू में ग्यारह बार अपनी बेल्ट डिफेंड कर चुके हैं उन दोनों के बीच में एक मिक्सड रूल्स फाइट होने वाली है जिसमें पहला और तीसरा राउंड एक मुआ थाई रूल्स पे होगा और सेकंड और फोर्थ राउंड प्योर मिक्स मार्शल आर्ट्स बेस्ड होंगे अगर आप यूएफसी या मिक्स मार्शल आर्ट्स को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा यू का जो कॉन्सेप्ट है उसमें उस कॉन्सेप्ट में, उस में बात ही यही थी कि कैसे एक मोथा फ़ाइटर एक एक बॉक्सिंग फाइटर की फ़ाइट होगी एक ग्रैपलिंग फाइटर के साथ एक सबमिशन आर्टिस्ट एक बीजे फाइटर के साथ जिजितू फाइटर के साथ कैसे एक कराटे फ़ाइटर जूडो फाइटर वूशू फाइटर, फाइटर रेसलिंग ओपोनेंट के साथ कैसे करेगा यू नो स्टाइल्स वे मैचेस वहीं से आया है ये स्टाइल्स वेक मैचेस का कॉन्सेप्ट ही वहाँ से आया है दैट्स द रीजन आई रियली एडमायर छात्री सीटर डॉन्ग क्योंकि ये काम आपको यू एफ सी में कभी देखने को नहीं मिलेगा कि एक प्रॉपर कि बॉक्सिंग फाइट हो रही हो या एक प्रॉपर रेस्लिंग फाइट हो रही हो ऑल दो फाइटर्स अपने स्टाइल्स के हिसाब से फाइट कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉपर फर्स्ट और थर्ड राउंड में मोबाइथाई होगा और रॉड टैंग अपने आप में ही लेजेंड है मोबाइथाई के अगर आप मोयथाई सुनते हैं तो पहला नाम रोड टैंक का ही आता है ऑल दो बुआकाओ का भी आ, आपके सामने नाम आ, आ सकता है हैगर्टी का नाम भी आपके सामने आ सकता है लेकिन आज के ज़माने में 24 साल की उम्र में 300 फाइट एक्स्ट्रॉडनरी है 24 साल की उम्र में 300 सौ मोयथाई फाइट्स लेजेंडेरी है मेरे हिसाब से तो दूसरी तरफ डिमिट्रिय माइटी मास जॉनसन ग्यारह बार अपनी बेल्ट यू में डिफेंड कर चुके हैं उन्हें यू एफ सी फ्लाईवेट डिविजन में हराने वाला सिर्फ एक ही फ़ाइटर था हेनरी सहूडो आप सभी जानते हैं कितनी क्लोज़ फाइट थी वो जिसमें एक स्प्लिट डिसीजन विक्ट्री मिली थी जजेस की वजह से हेनरी सहूडो को साथ ही एड्रियाना मुराइश के सामने फ्लाईवे टाइटल बाउट हारने के बाद उनकी ये पहली फाइट है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप है ये या तो फर्स्ट राउंड में डिमिट्रिस जॉनसन नॉकआउट हो जाएंगे या सेकेंड राउंड में रोड टैंक टैप आउट करेंगे देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि फ़ाइट में क्या होता है वन एक्स का मेन इवेंट होगा एक विमेंस एटम वेट चैम्पियनशिप फाइट जिसमें चैम्पियन एंजेला ली और नंबर वन कंटेंडर ग्रॉप्री विनर फेयर टेक्स की फ़ाइट होगी फेयर टेक्स, अगर आपको ये नाम सुना सुना लग रहा है तो मैं बता दूं कि हमारी धाकड़ गर्ल सॉरी हमारी दंगल गर्ल गीता फोगट की छोटी बहन रितु फोगट जो वन चैम्पियनशिप में ही फ़ाइट करती हैं ग्रोपरी के फाइनल में रितु फोकट और स्टैम्प का ही फाइट हुआ था हालांकि इस फाइट में रितु फोकट हार गई थी और इसीलिए स्टैम्प आज एंजेला ली के साथ फ़ाइट कर रही हैं वहाँ पर रितु फोकट भी हो सकती थी लेकिन कमिंग बैक टू द मेन इवेंट स्टैम्प फेयरटेक्स किक में वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं वन चैंपियनशिप में ही साथ ही मोथाई वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी हैं वन चैम्पियनशिप में ही और अब वो दोनों किले फ़तेह करने के बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स में आई हैं यहाँ पे भी वो चैम्पियन बनना चाहती हैं विमेंस एटम विट ग्रोपरी वो जीत चुकी हैं और अब वो और अब वो एक टाइटल यूनिफिकेशन के लिए एंजल अली के साथ फ़ाइट करने जा रही हैं स्टैम्प फेर का एक बहुत ही अमेजिंग एक्स्ट्रॉडनरी बैकग्राउंड है पाँच साल की उम्र से वो मोथाई फ़ाइट कर रही हैं स्टैम्प के फादर खुद एक मोथाई फ़ाइटर रह चुके थे और पाँच साल की उम्र से उन्होंने मोथाई में स्टैम्प को ट्रेन करना शुरू किया एक साल बाद ही उन्होंने अपनी पहली फाइट जीती वो भी नॉकआउट से किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियन मोत्थाई में वर्ल्ड चैम्पियन और अब और अब तक एट एंड वन के रिकॉर्ड के साथ वो मिक्स मार्शल आर्ट्स में फ़ाइट कर रही हैं अगर मिक्स मार्शल आर्ट्स में भी अगर वो टाइटल जीत लेती हैं तो हेनरी सहूडो तो अपने आप को ट्रिपल सी बोल रहे हैं लेकिन किक बॉक्सिंग चैम्पियन मोहथाई चैम्पियन एंड नाउ मिक्स मार्शल आर्ट्स चैंपियन सही मायनों में ट्रिपल सी स्टैम्प बन सकती हैं लेकिन उनके सामने एक बहुत ही टफ चैलेंज है एंजला ली का एंजला ली उन्नीस साल की उम्र में एक वर्ल्ड चैम्पियन बन चुकी थी वन चैम्पियनशिप में ही वो एक होम ग्रोन सुपर स्टार हैं वन चैम्पियनशिप की पिछले दो साल अपनी मेटर्निटी लीव पे थी वो छः सात साल की उम्र से ब्राज़ीलियन ने जी जित्सू ग्रैपलिंग करना शुरू कर दिया था ढाई साल के बाद ली फाइट करने आ रही हैं तो रिंग रस्ट कैन बी अ फैक्टर बट आई बिलीव उनका एक्सेप्शनल ब्राजीलियन जिजित्सु गेम उनका रेसलिंग गेम उनका ग्रैपलिंग गेम दिस विल बी टू मच फॉर स्टैम्प फेटिक्स क्योंकि ली एक सबमिशन हंटर हैं उन्होंने ऐसी ऐसी वर्स पोजीशन से सबमिशन निकाले हैं जब वो हार रही थी एक गोगो प्लाटा ओमो प्लाटा ट्विस्टर माय गॉड ट्विस्टर आपको कभी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ट्विस्टर से सबमिशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है लेकिन इसके बावजूद वो ट्विस्टर ले चुकी हैं तो एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग फ़ाइट होने वाली है लेट्स सी कौन जीतता है इससे पहले एड्रियानो मुराइश और यूया वाकामात्सु के बीच में फ़ाइट है यूया वाकामात्सु डिमिट्रिस जॉनसन से फ्लाईवेट ग्रॉपरी में हार चुके हैं वाकामसू और मुरैश के बीच में ये मैच होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है यूया वाकामात्सु अपनी स्पीड और अपनी पंचिंग पावर के लिए जाने जाते हैं फ्लाईवेट डिवीजन में यूया वाकामात्सु एक ऑल एक्शन पैक्ड स्टार हैं उनकी ज़्यादातर फाइट पहले राउंड में ही ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनकी पंचिंग पावर अपने सामने ओपोनेंट के सामने भारी पड़ जाती है इससे पहले वो पैन में फ्लाईवेट चैंपियन रह चुके हैं वहीं एड्रियानो मुरैश 2014 से लेकर अब तक फ्लाईविड डिविजन की टाइटल कंटेंशन में बने हुए हैं दो बार हारे हैं वो अपनी टाइटल बाउट्स लेकिन मोराइ के पास एक बहुत ही बेहतरीन ब्राज़ीलियन जिजित गेम है साथ ही उनके पास एक अच्छा किक बॉक्सिंग गेम भी है ब्राज़ील से आते हैं वो तो शूट बॉक्स में तो ऑबियस है कि उनका एक्सपर्टीज होगा ही होगा इसीलिए डिमिट्रस जॉनसन गोट ऑफ एमएमए वो भी उनको टेक डाउन नहीं कर पाए लेकिन ऑन द फीट ही वाज चॉपिंग डिमिट्रस जॉनसन उनका जैब उनके किस उनके नीज सब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे ये सब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे डिमिट्रिस जॉनसन के अगेंस्ट इसके बाद फाइट होगी योशी हीरो आकियामा और शनिया आयोकी के बीच कैसे डिस्क्राइब करूँ मैंने मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक ब्राजीलियन लेजेंड एक ग्रैपलिंग लेजेंड ड्रीम वन चैम्पियनशिप डीप चैम्पियनशिप वर्ल्ड अलायंस एमएमए इन सब जगह वो लाइट वेट चैम्पियन रह चुके हैं उनका एक बहुत ही बढ़िया रेसलिंग ग्रैपलिंग बेस्ड गेम है जिसमें वो सबमिशन के लिए जाने जाते हैं उनका रेसलिंग गेम इतना बढ़िया है कि आप उनके विक्टिम्स देखिए एडवर्ड फोलाइंग एडवर्ड फोलाइंग को वो दो बार हरा चुके हैं सबमिशन से एडवर्ड फोलाइंग वही आदमी है जिन्होंने एडी आलवारिज फॉर्मर यूएफसी लाइटवेट चैंपियन उनको हरा चुके हैं फाइनल में जेम्स नाकाशीमा अनदर वेरी गुड एम एम ए फाइटर कजुशी साकारा राभा द ग्रेसी हंटर उनके ऊपर सबमिशन ले चुके हैं आ, आयो की तो आप देख सकते हैं कि कजुशी साकार राभा जिन्होंने लेजेंडेरी ब्राजीलियन जीजित्सू फाइटर्स ग्रेसी फैमिली में सबको सब्मिट किया है उनके ऊपर अगर आपकी विन है तो यू हैव टू बी अ लेजेंड टू डू दैट लेकिन अपने कंट्रोवर्शियल नेचर के लिए आयो के जाने जाते हैं जीतने के बाद मिडिल फिंगर दिखा देना सबमिशन लेने के चक्कर में दूसरे का हाथ तोड़ देना द इज क्रेजी और उनके ओपोनेंट हैं योशी हीरो आकीियामा बेटर नोन एज यामा, एक जापानीज़ लेजेंड हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स में के वन ड्रीम यू एफ सी वन चैम्पियनशिप सब जगह फाइट कर चुके हैं उनका एक बहुत ही बढ़िया जूडो बेस्ड गेम है साथ ही उनके पास किकबॉक्सिंग का भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है सेक्सियामा 2001 में एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जूडो में कोरिया के लिए हालांकि वो एक जैपनीज़ बॉन्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं लेकिन उनके रूट्स कोरियन हैं उनकी फैमिली नाइनटीन में कोरिया से माइग्रेट करके जापान आ गई थी सेक्सियामा ने पिछले छः सालों में मिक्स मार्शल आर्ट्स फ़ाइट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है लेकिन स्टिल इट्स अ समिशन ग्रैपलिंग मैच इट वोंट बी दैट बैड फॉर हिम ये एक चक लिडेल और टीटो और टीज की फाइट नहीं है सो आई एम रियली थैंकफुल वर्ल्ड चैम्पियनशिप कि हमें एक एम एम लेजेंड्स का मैच देखने को मिलेगा लेकिन लेजेंड्स की फ़ाइट देखने का एक मजा ही कुछ और है आपको वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जब लेजेंड्स अपने फुल फॉर्म में थे इसके बाद लाइटवेट डिवीजन में हमें एक मोइथाई फ़ाइट देखने को मिलेगी जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स के नंबर वन कंटेंडर लाइट वेट में एडवर्ड फॉर और जॉन वेन पार का सामना होगा जॉन वेन पार मोइथ थाई के एक पाइनियर हैं अगर आप आज से दस साल पहले पंद्रह साल पहले जाएंगे तो मोइथ थाई की फ़ाइट्स बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ होती थी यानी यानी ग्लव्स बॉक्सिंग के लेकिन फाइट मॉयथाई हो रही है लेकिन जॉन वेन पार जिनका एमएमए में काफ़ी एक्सपीरियंस था उन्होंने मोये थाई में फ़ोर राउंड ग्लव्स का इस्तेमाल करना शुरू किया जो ग्लव्स एम एम ए में शुरुआत से यूज़ किए जा रहे हैं वही ग्लव्स उन्होंने मोएथाई में इंट्रोड्यूस किए तो इस चीज़ का क्रेडिट सिर्फ़ जॉन वेन पार को ही दिया जाता है वो एक पाइनियर हैं इस चीज़ के इस मैच में एक और ख़ास बात यह है कि जॉन वेन पार अपने करियर में वन फोटी नाइन मोय थाई फ़ाइट्स की हैं जिसमें से जिसमें से वो पचास हारे हैं और निन्यानवे फ़ाइट जीते हैं तो अगर इस फाइट को वो जीतते हैं तो उनकी सेंचुरी हो सकती है मुआ फ़ाइट्स में जीतने की लेकिन ये कोई आसान मुकाबला नहीं होने वाला है क्योंकि सामने एडवर्ड फोलाइंग है एडवर्ड फोलाइंग एडी आलवारस से लेकर बहुत बहुत सारे लेजेंड्स को हरा चुके हैं बहुत सारे अपकमिंग फाइटर्स को हरा चुके हैं वन चैम्पियनशिप की लाइट वेट डिविजन में मिक्स मार्शल आर्ट्स में वो नंबर वन कंटेंडर हैं तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फाइट होने वाली है एक रिटायरमेंट फाइट है जॉन वेन पार के लिए यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर बट स्टिल देखते हैं क्या होता है आगे तो देखते हैं क्या होता है इसमें क्या सेंचुरी होती है फाइट्स की या एडवर्ड फोलाइंग इस फाइट को जीतते हैं क्या वो डॉन ब्रैडमैन की तरह नाइनटी नाइन पर ही अटक जाएंगे लेट्स सी इसके बाद मेन कार्ड में आखिरी फाइट है किकबॉक्सिंग फेदरवेट चैम्पियनशिप के लिए जिसमें ग्लोरी के लेजेंड ग्लोरी किक बॉक्सिंग के लेजेंड मरात ग्रिगोरियन उनकी फाइट होने वाली है सुपर सुपरबॉन के साथ मराथ ग्रिगोरियन अगर आप किकबॉक्सिंग देखते हैं आप ग्लोरी चैंपियनशिप देख चुके हैं तो ग्लोरी चैम्पियनशिप के दस साल पूरे होने पर जो ऑफिशियल पोल था उसमें टॉप टेन नॉकआउट्स में से दो नॉकआउट मरात क्रिगोरियन के थे ज़्यादातर किक बॉक्सिंग पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स में वो नंबर टू रैंक कंटेंडर हैं लेकिन नंबर वन कौन है नंबर वन है सुपरबॉन बाचा मेक और इन्हीं दोनों की फाइट होने वाली है तो आप देखें किक बॉक्सिंग के दो लेजेंड्स उनकी फ़ाइट होने वाली है नंबर वन नंबर टू पाउंड फॉर पाउंड फाइटर्स की आपस में फाइट होने वाली है इजेंट इट अमेजिंग मारात क्रिगोरियन ग्लोरी में लाइट वेट चैम्पियन रह चुके हैं तो गाइज ये था हमारा प्रीव्यू वन एक्स इवेंट का आप इसे देख सकते हैं वन चैम्पियनशिप के वेबसाइट पर वन चैम्पियनशिप के यूट्यूब चैनल पर आप अगर इंडिया में हैं तो हॉट स्टार पर आप इसे देख सकते हैं जाते जाते आपको एक फन फैक्ट बताता जाऊं द नॉकआउट क्वीन आशा रोका इंडियन फाइटर हैं वो भी इस कार्ड में फाइट कर रही हैं उनकी फाइट है एलिस एंडरसन के साथ तो इट्स रियली ग्रेट टू सी कि इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी है इस पूरे इवेंट में आई होप आशा ये फाइट जीतेंगी और जीत के बाद भारत का तिरंगा लहराएंगी दैट्स इट फॉर टुडे गाइस वन एक्स इवेंट खत्म होने के बाद इस पूरे इवेंट का रिव्यू लेकर मैं आपके सामने दोबारा आऊँगा तब तक आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब बटन पे एक नॉकआउट पंच पहुँचवाना बिल्कुल मत भूलिएगा आज सी यू द नेक्स्ट वीडियो चाओ